चलो बात करने वाले एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। हम लोग आज बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम वर्ग और वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। आज हम उसी क्रम में वर्ग और वर्गमूल को ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, दो क्वेश्चन, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर वर्गमूल वर्गमूल और वर्ग की बात करें तो इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा उस पर हम बात कर ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं कि अंडर रूट 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अंडर रूट 0.04 का वर्गमूल क्या रहेगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देख ले रहे हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं, यदि कोई कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो फिर क्या करेंगे, ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कोई संख्या अगर उसके दो अंक बाद दशमलव है तो उसको आधा कर देंगे। पहला नोट पॉइंट ये है कि वर्गमूल, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, चार है, चार किसका वर्गमूल है, दो का वर्गमूल है, यानी दो का वर्ग कितना होता है, चार होता है, तो चार कंप्लीट नंबर है। अब जब वर्गमूल में दशमलव की जो संख्या हो, दशमलव की संख्या हो, यदि संख्या जो है मैं दो अंकों बाद दशमलव है, यदि संख्या में दो अंकों बाद दशमलव है तो उसको आधा कर देंगे, एक अंक बाद रह जाएगा। चार अंकों बाद दशमलव है तो उसको आधा कर देंगे, दो अंक बाद रह जाएगा। तो दो संख्या में दो अंकों में, संख्या में दो अंकों बाद दशमलव है, दो अंकों बाद दशमलव है, तब क्या करेंगे, वो दो को आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आधा करने के लिए क्या है हमारे पास, तो यहाँ आधा कैसे करेंगे, तो यहाँ संख्या दी है, कौन सी दी है, 0.04, तो 0.04 है, तो दो अंक दशमलव है, तो दो को आधा कर देंगे, दो को आधा कर देंगे दशमलव को, तो आधा कर देंगे तो एक अंक बचेगा। तो अगर इसको निकालें कंप्लीट नंबर से, तो इसको अगर निकालें 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसका ये वर्गमूल है, ये हमारा आंसर है। चार अंक बाद दशमलव था, दो अंक बाद रह गया, तो दो अंक बाद था तो एक अंक बाद रह गया, आठ अंक बाद था तो चार अंक बाद रह जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।